बेटे का अच्छा संस्कार। अमन के स्कूल में गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए अमन दिन भर घर पर रहकर टीवी देखता, मोबाइल पर गेम खेलता और घर पर सारा दिन आराम करता। लेकिन गर्मी के दिन होने के कारण वह दिन भर घर में एसी चालू रखता था। उसके माता-पिता ने उसे समझाया कि ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा एसी चला लो, बाकी समय पंखा काम कर सकता है। लेकिन अमन उनकी एक नहीं सुनता और पूरे दिन एसी चालू रखता था। मम्मी पापा उससे नाराज़ होते पर उस पर गुस्सा होते, इसलिए वह घर में बवाल मचाता था। इस वजह से उसके माता-पिता बेबस थे। पूरे दिन एसी चलाने से बिजली का बिल भी अधिक आने वाला था। मम्मी और पापा इस बात को समझते हैं और अब वे तय करते हैं कि अमन को अलग तरीके से समझाना होगा। एक दिन माता-पिता अमन से कहते हैं कि हम नया घर खरीदना चाहते हैं, चलो तुम हमारे साथ, हम फ्लैट देखने जाते हैं। यह सुनकर अमन बहुत खुश हो जाता है और वह अपने माता-पिता के साथ नया फ्लैट देखने जाता है। उसके माता-पिता उसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए। दोपहर का वक्त था, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। अमन आते समय भी उसके पापा को गाड़ी में एसी लगाने को कहता है। कार से निकलने के बाद वह सभी फ्लैट देखने जाते हैं। फिर पापा अमन से कहते हैं, अमन देखो यह सब लोग कितने दुख में काम करते हैं, उनके पास में ना पंखा है और ना कूलर और ना ही एसी, लेकिन सभी आदमी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो पैसे की कीमत होनी चाहिए कि नहीं? अमन को समझ नहीं आता कि पापा क्या कह रहे हैं। उसके बाद वह सभी फ्लैटों को देखकर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर वॉचमैन के रूप में काम करने वाले अंकल फ्लैट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे बिल्डर साहब थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे, तब तक आप नीचे जाइए, वहाँ पर आपको पीने के लिए ठंडा पानी देता हूँ। तभी हमेशा फ्रिज का पानी पीने वाला अमन को मटके का पानी बहुत पसंद आता है। वो कहता है, ज़्यादा है या अच्छा है यह पानी? मम्मी पापा हंसने लगे। अमन उस वॉचमैन अंकल को बोलता है कि आपका यह घर पतरे का है, आपको तो बहुत गर्मी होती होगी ना यहाँ। वॉचमैन अंकल बोले, हाँ बेटा, बहुत गर्मी होती है, औरतें ही घर में सोती हैं, हम सब पुरुष बाहर सोते हैं, पर मच्छर भी बहुत काटते हैं बेटा। अमन पूछता है, फिर आपके घर में एसी नहीं है क्या? इस वॉचमैन अंकल को एसी का मतलब पता ही नहीं था और वे पूछते हैं, एसी क्या होती है बेटा? तभी अमन उनको कहता है, आपको एसी का मतलब नहीं पता क्या? फिर कूलर या फैन तो होगा ना आपके घर में? तभी वॉचमैन अंकल बोले, एक फैन है पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, और ज़्यादा फैन इस्तेमाल किया तो बिल भी ज़्यादा आएगा ना। फिर बिल्डर साहब चिल्लाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं चलाते फैन हम। यह सुनकर अमन को बुरा लगा। वह बोला, मम्मी पापा इनको कितनी गर्मी होती होगी ना। तभी वॉचमैन अंकल का पोता वहां पर आ जाता है। उम्र में वो अमन जितना था, उसके कपड़े गंदे थे। अमन पूछता है, वॉचमैन अंकल यह कौन है? वॉचमैन अंकल उसे बताते हैं, यह मेरा पोता है, वैसे तो वह गांव में रहता है पर अब छुट्टी है तो आया है यहाँ। अमन उस लड़के को पूछता है, तुम्हें इस घर में बहुत गर्मी होती होगी ना, तो फिर तुम्हें एसी में बैठने का मन नहीं होता क्या? तभी वह लड़का उसे बोला, घर में गर्मी होती है पर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना एसी लगवाने के लिए। यह सुनकर अमन को बहुत बुरा लगा। अमन मम्मी पापा के साथ घर वापस चला जाता है। वह कुछ तो सोच रहा होता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि अमन बेटा क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठे हो?
अमन बोला, पापा उस वॉचमैन अंकल को और उनके घर के लोगों को, उस छोटे से मेरे जितने लड़के को घर में कितनी गर्मी होती होगी ना। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? पापा बोले, हम भला क्या कर सकते हैं। तभी अमन बोला, हम उन्हें एक नया कूलर लेकर दे दें और ज़्यादा बिल आए तो वह भी पैसे हम दें। पापा उस पर बोले, यह कैसे मुमकिन है अमन, पहले से ही तुम घर में दिन भर एसी लगाते हो, उसका बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अमन बोला, पापा आज से मैं एसी ज़्यादा वक्त नहीं चलाऊंगा, जब कहोगे आप तभी चालू करूंगा, आप जब चाहो तो बंद कर सकते हो, हम सिर्फ फैन ही यूज करेंगे, पर जो पैसे बचेंगे उसमें से उस वॉचमैन अंकल के लिए कूलर लेते हैं, थोड़ा लाइट बिल के पैसे भी दे देंगे उनको, इस कड़क धूप से थोड़ा आराम मिलेगा। यह सुनकर अमन के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और वह बोले, अमन हमें बहुत खुशी हुई कि एक इंसान के तौर पर दूसरे इंसान के दर्द और पीड़ा को समझना और उसके लिए कुछ करना ही एक सच्चे इंसान की निशानी है। तुम ऐसा कर रहे हो, हमें तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। यह सुनकर अमन बहुत खुश होता है और उसी दिन के बाद वह एसी का स्विच ऑन नहीं करता और फैन से एडजस्ट करता है और उस वॉचमैन अंकल के लिए एक नया कूलर ले जाकर देते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे बचपना करेंगे, वे शरारत करेंगे, वो हर चीज़ को खेल समझेंगे, जब तक उनको अच्छे से समझाया ना जाए, उनकी नादानी को उनकी जिद ना समझें। उनको समझाने से या डांटने या पीटने से पहले एक बार खुद को समझाओ कि क्या आपने उन्हें अच्छे तरीके से उनको समझने में आसानी हो वैसा समझाया।